हाय फ्रेंड, मैं अविनाश श्रीवास्तव। स्वागत है आपके अपने चैनल कोड प्रोग्रामिंग में। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक टेबल है, ठीक है। टेबल है तो जिसमें आपके पास फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, बहुत सारा फील्ड है, मतलब कॉलम है। आप चाहते हैं कि ग्लोबल सर्च का आप यूज करना चाहते हैं। जैसे लाइक मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुमार को, कुमार अगर सर्च करता हूँ, ठीक है। तो कुमार हमारे लास्ट नेम में भी है, फर्स्ट नेम में भी है, तो ठीक है। तो हमारा जिसमें फर्स्ट नेम में संदीप कुमार है, और आप देखिएगा कुमार यहाँ पे भी है, कुमार रोहित है, तो मुझे ये दोनों रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। और मैं इसके लिए मतलब कि अलग अलग कॉलम कॉलम पे सर्च को परफॉर्म नहीं करूँगा, मैं मतलब कि ग्लोबल सर्च परफॉर्म करूंगा। तो ये कैसे होता है, चलिए इसको देखते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं कोड प्रोग्रामिंग, तो आप वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले कि हमें मान लीजिए कि मैं सबसे पहले आपको क्या करता हूँ कि बेयर कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। तो मेरा पेयर कंडीशन क्या होगा, इस टेबल के ऊपर में होगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बीयर, मैं कुमार सर्च करना चाहता हूँ कि कुमार कहाँ कौन कौन सा है, और मैं किस मैं कौन कौन सा मतलब फील्ड को सर्च करना चाहता हूँ। तो मैं लास्ट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में ही सिर्फ सर्च करना चाहता हूँ, और ईमेल में सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि कंट्री और कंपनी में तो मतलब कुमार बोल के नहीं है कुछ, इसलिए मैं उस पर परफॉर्म नहीं करना चाहता। आप परफॉर्म कर सकते हैं, हो सकता है आपके पास मतलब कि 100 से ज्यादा कॉलम हो, ठीक है। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा संदीप कुमार और कुमार रोहित, मैं पार्टिकुलर कॉलम के ऊपर मैं परफॉर्म मतलब सर्च परफॉर्म नहीं किया हूँ, ठीक है। तो देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी क्या है बात है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास आज आपके टेबल में 50 कॉलम्स है, तो आपने 50 कॉलम्स को लिख दिया। लेकिन बाई चांस क्या हुआ कि आपके कॉलम में मतलब टेबल में किसी रिक्वायरमेंट के कारण तो फील्ड 3 फीट और बढ़ गया। तो आप फील्ड यहाँ पे तो बार बार दिखेंगे नहीं, बार बार एसपी को मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में आप अलाउ नहीं होता है कि आप एग्जिस्टिंग मतलब कि एसपी को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या होगा कि डायनेमिक आपको कॉलम जनरेट करना पड़ेगा आपको टेबल से। तो इसके लिए डायनामिक कॉलम सबसे पहले हम जनरेट करते हैं। तो हम लोग को क्या कॉलम कॉलम नेम चाहिए, तो फ्रॉम फ्रॉम मुझको इन्फॉर्मेशन स्कीमा से हम उठाएंगे कॉलम नेम को, जहाँ पे टेबल का नेम जो होगा, टेबल का नेम होगा वो मेरा होगा, ये जो मेरा टेबल का नेम है वो टेबल का नेम होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कि हमें मिल गया, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसके जगह पे इस कॉलम के नेम को मैं परफॉर्म कर दूंगा, देखते हैं हमारा आउटपुट आता है कि नहीं। तो हमारा कोई आउटपुट नहीं आया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्यों नहीं है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए दिए होंगे कि ये जो हमारा कॉलम का नेम आ रहा है वो टेबल फॉर्मेट में आ रहा है। जैसे लाइक एक हमारा कॉलम है और 5 रो है, तो ऐसा तो ये एक्सपेक्ट नहीं करता। ये स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये कॉलम का नेम एक्सपेक्ट कर रहा है, वो भी कॉमा सेपरेटेड में, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें इसको कॉमा सेपरेटेड करना होगा, स्ट्रिंग करना होगा सबसे पहले बात है, ठीक है। तो चलिए एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसमें मेरा मतलब मैं कॉलम नाम दे देता हूँ, कॉलम वैक्यू मेरा 500 होगा, ताकि कोई स्ट्रिंग कॉन्कनेट का एरर ना आए, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, गलत दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कॉलम क्या कैसा मिलेगा, तो मैं ये देख लेता हूँ पहले सबसे पहले कि मेरा पास कॉलम कैसा मिलता है, ठीक है। तो मेरे पास जो कॉलम मिला है, तो सॉरी 1 मिनट, और यहाँ पे मुझे एग्रीगेट फंक्शन लगानी थी, मैं भूल गया, सॉरी। स्ट्रिंग एग्रीगेट, और मेरा जो कॉलम का नेम है जो मेरा कॉमा सेपरेटेड में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए
मेरे पास ये आ गया, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको डालता हूँ। तो एक्चुअली ये स्ट्रिंग है, तो ये ऐसे आ रहा होगा वैल्यू जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे आ रहा होगा। तो चलिए हम इस पे फिर से इस कॉलम के ऊपर में सर्च का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एक्सपेक्ट है कि डेटा आना चाहिए, देखिए मेरा डेटा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये जो है कॉलम का नेम एक्सपेक्ट करता है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि कॉलम का नेम एक्सपेक्ट करता है, वो भी ऐसा कॉलम का नेम एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन हमें रिटर्न क्या मिल रहा है, क्योंकि मैं इस कॉलम का फॉर्मेट रिटर्न कर रहा हूँ, तो कॉलम का फॉर्मेट हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसलिए वो पूरे को एक कॉलम नेम समझ रहा है, जिसके कारण ये कॉलम इसको मिल नहीं रहा है एक कॉलम, तो जिसके कारण रिटर्न रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम लोग इसको डायनेमिक क्वेरी बनाएंगे। तो मेरे पास वेरिएबल का नेम मिल गया है, एक और वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे कॉलम का नेम पहले से मिला हुआ है। और तो चलिए देखते हैं, तो मेरे पास ये जो है इसको मैं डायनेमिक बना दिया हूँ। और मेरे पास जो कॉलम का नेम है, ठीक है, कॉलम का नेम है जो मैं है, मैं उसको अपने यहाँ पे जो पेस्ट करूँगा डायनामिक स्ट्रिंग का फॉर्मेट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेरी सही है कि नहीं, एग्जीक्यूट होने के बाद, मतलब कि एग्जीक्यूट होने के बाद मैं एक बार प्रिंट करके देखता हूँ कि हमारा क्वेरी एक्चुअली जो क्वेरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि है कि नहीं। तो देखिए हमारा क्वेरी क्या है ये, ठीक है। तो एक्चुअली मैं इसको रन करूँगा, तो ऑफकोर्स मुझे एक्सपेक्टेड डेटा मिलेगा, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो मुझे एक्सपेक्टेड डेटा मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा क्वेरी समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ होगा। यदि किसी चीज़ को इसमें आपको नहीं समझ में आती है, कोई भी इशू प्रॉब्लम होती है, तो आप ओके प्लीज आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर कोई सजेशन है तो भी कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।